क्योंकि ना ये चीजें अच्छी लगती है। हक होता है हमारा, इतने सारे पैसे लेते हैं जिसमें चाय पत्ती रख ले, चीनी रख ले। तो मैंने और चीकू ने प्लान बनाया है कि देखना नहीं देख रही मेरे को पता है क्या है, मैं बिना देखे बता सकती हूँ। चलो भैया एक में जाने से पहले इन दोनों को देख लो, इनकी दिवाली आ गई। ये देखो कह रहे दो दिन का सामान है, ये सोया नहीं है। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि जो हमारी मम्मी जी हैं वो लेके आ रही हैं दिवाली पूरी फैमिली के लिए। ये बात मुझे अभी पता लगी। हाँ, क्योंकि मेरे को भी अभी पता चला, सुबह सुबह मम्मी की टिकट आई। जब चीकू को मैं स्कूल भेज रही थी ना, उस टाइम पे टिकट आई थी, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, टिकट हो नहीं रही थी। तो फिर मम्मी की मॉर्निंग में सुबह 8 बजे मेरी बात हुई। पायल और गोलू चीकू को छोड़ने के बाद ना यहीं सो गई थी, और ये मैडम अभी यहीं सो रही है। पायल खड़ी हो, पायल खड़ी हो जा, अंदर सो जा। सुन रही, अंदर सो, खड़ा खड़ा बेटा, जा रही हूँ नहीं, खड़ी हो जा, मैं लेके चल रहा हूँ। तो दिवाली के रह गए 2-4 दिन, तो मैं बोल रहा हूँ पायल को कि जाके जो जो देना लेना है वो ले आओ। आज गिफ्ट वगैरह तू बता, मैं और गोलू चले जाते हैं। है? तुम मत घूमो, मुझे बता दे, मैं ले आऊंगा। आपको नहीं समझ में आएगा ना, लेडीज को समझ में आती है। समझ में क्या आना है, मतलब वो डब्बे वब्बे होते हैं जो देना होता है गिफ्ट विफ्ट, और क्या होता है बता दू। नहीं जान, तो आप नहीं जाओगे, हम जाएंगे। मत घूमो ज्यादा। ज्यादा कहाँ घूम रहे, बस एक जगह जाना है, वहाँ से सामान लेना है, घर आना है। हम लोग कितने भी अमीर हो जाएं पर होटल के अंदर से ये चीजें चुरानी हम कभी नहीं भूलते, ऐसा क्यों? क्योंकि ना ये चीजें अच्छी लगती है, जैसे शैम्पू हो गया, साबुन हो गया। अभी भी ना मेरे पर्स में साबुन रखा हुआ है, तो मतलब ना अच्छा लगता है मेरे को, तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती है। यूज हो ना हो बट ये सामान हमें लगता है हमें मिला है, हमने पैसे दिए होटल के, तो सामान हमारा है, तो हक होता है हमारा, तो मैं ले आई। हक होता है हमारा, इतने सारे पैसे लेते हैं वो एक रूम के, 8-8, 10-10 हजार रुपए लेते हैं, GST भी लगाते हैं उसके ऊपर से। तो ये चीज तो अपनी हुई सारी, हम लेके आते हैं, हमारे हक है। चोरी की कोई बात नहीं ना इसमें, चोरी अगर वहाँ का गिलास उठा के ले आओ या कुछ चावल उठा के ले आओ, टवल, तो हाँ तो तुम चोर हो, ये तो चीजें अपनी है, इन पे तो अपना पूरा हक होता है। तो गाइस आप लोग भी ना कमेंट करके बताना कि आप लोग भी ऐसी हरकतें करते हो, क्योंकि देखो हमारे घर में सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, पायल भी करती है, चीकू भी करते हैं, चीकू के पापा भी करते हैं। मैं सिर्फ ना कॉफी के पाउच लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, मैं कुछ नहीं लेके आता, वो भी चीकू को पसंद है ना, व्हाइट व्हाइट दूध सा पाउडर ना चीकू, और इसको पसंद है। गोलू ने सिखाया उसको ना, गोलू ने एक बार उसको खा के दिखाया था, तब से वो भी खाने लग गया है दूध का पाउडर। हम वहाँ जाते हैं ना सामान लेने, इधर बिग बास्केट में, तो ये क्या करती है, हम इतना बड़ा बड़ा बिल हो जाता है, क्योंकि दोनों घरों का राशन आता है, फ्री में सामान कुछ नहीं मिल रहा होता ना, तो जबरदस्ती बोलती रहती है इतने पैसे का सामान लिया फ्री में कुछ दे दो, इतने पैसे का सामान लिया फ्री में कुछ दे दो, ऐसे करती है वहाँ पे। हाँ मैं करती हूँ, पता सच में यार इतनी शर्म की बात है, मतलब इतने बड़े बड़े स्टोर है, हम इतना सामान है, दिल्ली जाते थे, दिल्ली में ना चाहे कुछ भी सामान ले लो, जैसे अभी मैं पायल कुछ टाइम पहले की बात है दिल्ली गए थे, हमने सामान लिया था, हमें डब्बा मिला चाय पत्ती वाला, बड़ा डब्बा नहीं था, तो ना एक खुशी मिलती है, जैसे तुम्हें एक औरत को एक खाली डब्बा दे दो जिसमें चाय पत्ती रख ले, चीनी रख ले, तो उसकी खुशी अलग होती है। कोई नहीं, अगली बार बोल दूँ। यहाँ कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। और एक बार क्या हुआ, एक बार मैंने पायल ने इतना सारा सामान लिया, हमने बोला चलो हमें फ्री में कुछ मिलेगा, फ्री में क्या मिला था पायल, हमें क्रीम सैनिटाइजर इतना सा। नहीं ये बात तो बिल्कुल सच है कि वुमेन को ना थोड़ी सी खुशी चाहिए, जैसे आप गोलगप्पे खाते तो थोड़ा पानी एक्स्ट्रा दे दो, पपड़ी वपड़ी दे दो, तो वो उसी में खुश हो जाती है। हाँ, लास्ट में वो मीठी पपड़ी देते हैं ना, मीठी पपड़ी देते हैं, खुश हो जाते हैं। भैया एक पपड़ी और दे दो, वो एक पपड़ी की जगह 2-3 पपड़ी खा लेती है। और एक और चीज होती है, जैसे ना जा रही होगी पैसे दे के, थोड़ा सूखे आलू देना हाथ में, वो बचपन अच्छा, की बात है। अच्छा और जब सब्जी लेने जाते हैं भैया धनिया मिर्ची डाल देना ऊपर से। खड़े खड़े तूने मटर खाए कभी? मेरी मम्मी खाती है, मेरी मम्मी भी, जैसे हमने सब्जी ले ली है तो धनिया मिर्ची तो ले ली, ऐसे मटर किससे हैं? 3-4 मटर तो भाई चेक कर लिए अच्छे हैं। आज आ रही है मम्मी, बताइए ये बात। मेरे को पता है, गोलू ने बताया था मम्मी आ रही है आज, कुछ स्पेशल लेके आ रही है मेरे लिए। गाइस मैं निकल रहा हूँ जिम की तरफ, और करना है फुल वर्कआउट, जो मेरा अगला गाना आ रहा है उसके लिए मुझे एप्स निकालने हैं, तो आज से मैं फुल प्रॉपर एक मजेदार डाइट पे हूँ। तो गाइस यहाँ पर आगे अपने ओट्स नारियल पानी, तो ओट्स खा के निकलते जिम की तरफ, एप्स ज्यादा करने आज और कार्डियो भी। तो भैया मैं थोड़ा सा इस प्रकार लग रहा हूँ फिट थोड़ा सा, आप देख सकते हो, तो अभी निकालेंगे एप्स, अब की बारी फाइनल। जब नींद ना पूरी हो ना, सबसे पहले शक्ल खराब होती है और फिर बॉडी, तो नींद पूरी करनी आज से फुल। इस वर्कआउट हो गया बिल्कुल डन, अभी निकलते हैं घर पे, कुछ खाएंगे उसके बाद निकलना किसी काम से बाहर। ये वाला जाम गाइस तभी खत्म होगा तब यहाँ पे पुल बन जाएगा, और पुल बनने में लगेंगे अभी 2-4 साल। जब हम गाड़ी में ट्रेवल करते हैं गाइस, फोन गिर जाता है यहाँ पे,
और चलती गाड़ी में फोन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी भी मैं ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था, गाड़ी रुकी है तब जाके निकालूंगा। तो गाइस चीकू आते ही सबसे पहले अपना टैब देखता है कहाँ है, और इसको टैब मिल गया। अभी कुछ देख रहा है, अभी घूमने चल रहा है मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो? मुझे थोड़ा दूर जाना, चलेगा? चलूंगा। पक्का? पक्का। डन। ट्यूशन की छुट्टी? Yes! तो गाइस मैंने चिकू ट्यूशन की छुट्टी करवा दी, क्योंकि उसको मैं साथ लेके जाने वाला हूँ, जहाँ मुझे जाना है वहाँ बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूँ चिकू मेरे साथ हो। आपके फैन है वो, सब्सक्राइबर भी हमारे, और मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर आ गई मज़ेदार सी मील, और हमारा जो प्लान था मेरा और चिकू का जाने का, वो हो गया कैंसिल। तो हम कल चलेंगे, ठीक है? क्यों पापा? अभी फोन है भाई का, तो कह रहा है कि अरमान भाई आप लेट हो जाओगे, कल सुबह सुबह चल पड़ना। तो कल सुबह सुबह हम 8 बजे चल जाएंगे, कल स्कूल की छुट्टी करा दूंगा, ठीक है? तो अभी ट्यूशन जा रहा है? चला जाऊंगा। चला जाए, वेरी गुड, अच्छा बच्चा। आज नहीं जा सकता। क्यों? आज पूजा करनी है मैम को। किस चीज की पूजा करनी है? करनी है। तेरे को पूजा करनी है? मैम को करनी है। तो मैम क्या बोली, मत आना आज? हाँ जी। सच बता? हाँ जी। झूठ मत बोल, फोन करे पूछूं? फोन करे पूछूं? चला जाता हूं पापा। तो गाइस थोड़ी देर के लिए मैं सो गया था, अभी उठा हूँ फ्रेश। रात को निकलना है मुझे कांगड़ा के लिए, बहुत ही जरूरी काम है, और नितिन भाई लगे हुए हैं एडिटिंग करने के लिए। देख नहीं पाओगे, गाना बस अभी रेडी होने ही वाला है, बस 2-4 दिन में फुल फाइनल एडिट होने के बाद हम भेज देंगे इसको कलर वलर के लिए, उसके बाद इसको रिलीज कर देंगे हम 30 तारीख को। तो सोने से पहले मैंने थोड़ी सी मील खाई थी, थोड़ी सी अभी बची हुई, तो मैंने सोचा चलो इसको निपटा लेते हैं। और मेरी एक चिकन मील और आ गई है, जो मैं रात के लिए मैंने पहले से मंगवा के रखी। तो गाइस चीकू आ गया है ट्यूशन से, और इसने क्या क्या किया आज, वहाँ पे कोई कंप्लेंट तो नहीं है? कोई भी नहीं। टीचर को कॉल कर लूं? कर लो। पक्का? पक्का। तो अभी क्या आदेश है, अभी थोड़ी देर आप सोओगे 10-15 मिनट? एक काम करो, रैप खा लो ये वाला, ठीक है, जल्दी से। शर्त ये है कि ये पूरा फिनिश कर देगा ना तो मैं सुलाऊंगा नहीं, अगर नहीं खाया तो फिर सुला दूंगा। बोलो डन। लो फिर पकड़ो फटाफट दोनों हाथों से। तो गाइस आप देख सकते हो चीकू ने ना अपनी क्ले के कितने सारे टुकड़े कर दिए, ये देखो। खराब तो नहीं कर रहा मैंने? ये खराब ही बेटा, इसके लक्षण ये हैं कि आपको आगे से क्ले नहीं दिलवाएंगे। हाँ जी? क्ले नहीं दिलवाएंगे अब दोबारा, ठीक है? क्यों? ये क्या हाल कर रखा क्ले का, देख तो ले पापा। ये तो बस बस काट रहा हूं। शेफ बनना है तेरे को? शेफ बनना है? शेफ बनना है पापा। और क्या क्या बनना है? बंदूकबाज, रेसलिंग, सारे काम सीखने हैं। हाँ जी सारे काम, ठीक है। तो गाइज अभी मैंने और चीकू ने प्लान बनाया है कि हम पायल को देने जा रहे हैं सरप्राइज, उसके लिए लेने जा रहे हैं हम आईफोन, ठीक है जी को? पापा। हाँ जी। आईफोन नहीं, और हम ना मकले लेके आते हैं। जल्दी बोल, गाड़ी फोल्ड वाला, वो फोल्ड वाला। क्या फोल्ड वाला फोन? हाँ जी। चलो कोई भी देख लेते दोनों में से, ठीक है? तो गाइस यहाँ पर आ गए जबरदस्ती चाय, और आ गए हैं हैरी भैया। हैरी भैया बहुत ही प्रोफेशनल कैमरा मैन है, फोटो आर्टिस्ट है, और क्या क्या है नितिन, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है ना चीकू? हाँ जी। तो गाइस मैं और चीकू निकल चुके हैं रेडी होके। चीकू तो रेडी नहीं हुआ, मैं हुआ हूँ थोड़ा सा रेडी, नहा धो लिया मैंने सोचा चलो जब सरप्राइज है तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगना चाहिए। बाकी चीकू बताएगा। चीकू भी एयरपोर्ट क्यों लेके घूम रहे हो? पापा वहाँ पे जाऊंगा फिर गाने सुनूंगा। चलो नए फोन में। चीकू इतना खुश है, क्यों है खुश बता दे। बताऊं क्यों? क्योंकि मम्मा का फोन आ रहा है नया। हाँ। तो मम्मा का फोन पुराने वाला मैं लूंगा। डन डन। इसमें गेम्स नहीं करूंगा। डाउनलोड? हाँ जी। टैब भी है तेरे पास? दोनों में करूंगा। तो गाइज आईफोन हमने ले लिया है, तो अभी निकल रहे हम सैलून की तरफ और पायल को देने वाले सरप्राइज फोन। दिखा दो कहाँ हमारा, जल्दी से। तो गाइज फोन इसके अंदर है, और सरप्राइज अभी हमने अनबॉक्स कर दिया है, बस हमें पायल को देना जाके, और पायल का फोन फिर यहाँ लेके आना है, उसका जितना भी डाटा है वो सारा ट्रांसफर कराना है, ठीक है जी को? चले पापा। तो गाइज दिवाली की शॉपिंग जोरों शोरों से चल रही है जी को, है ना? बम लेने तुझे फटाके तो अभी नहीं मिलेंगे, वो थोड़े दिन बाद मिलेंगे, ठीक है? तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं सरप्राइज चीकू। मम्मा आंखें बंद करो। आंखें बंद तो कर लो। आंखें बंद करके रखो। देखना मत। नहीं देख रही। देखना मत। अरे नहीं देख रही चीकू, सच में चीकू निकल ना निकल जाए। देखो दिया तो और भी अच्छा लगा। कवर मैं सीधा लाया फटाफट की, फटाफट ले जा। तो गाइस मजेदार सी डाइट आ गई, और आजकल हम इसी डाइट में मिलेंगे, और एक पंजाबी सैड सॉन्ग गाना दिवाली के बाद हम करने वाले हैं, बहुत ही कमाल का गाना, दिल खुश हो जाएगा सुन के। तो गाइस अभी निकल चुके हैं हम सैलून से, और अभी जा रहे हैं कुछ दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, और जो पायल का आईफोन है उसका जितना भी डाटा है वो ट्रांसफर करवाने के लिए। तेरे को कुछ लेना और भी?
नहीं बस मम्मी आ रही है, मम्मी के लिए भी दिवाली लेनी है ना। ठीक है, क्योंकि मम्मा एक दिन रुकेंगी अगले दिन चले जाएंगी ना, तो उनके लिए तो पहले लेनी पड़ेगी। गुड्डू यहाँ पे ना ये टाइम पे इतना जाम मिलता है, इतना एक घंटा लग जाता है हमें यहाँ से सलून से घर जाने में ये ट्रैफिक की वजह से। पर ये चीज बहुत अच्छी है कि हम भी सर्विस लाइन से जाते हैं तो यहाँ पे पता नहीं चलता है, आगे जाके थोड़ी सी दूर जाके फिर मिलना पड़ता है ना वहीं पे, थोड़ा तो पहले टाइम बच जाता है। पहले तेरे गोलगप्पे ना यहाँ से लेती हूँ मैं, देख वो देख वो देख वो देख गोलगप्पे ले भैया है ना, बिरयानी मल्टी ये बेटा ये, अरे गोलगप्पे जिसका पानी तुझे अच्छा लगा था पीने पानी, मैंने कल पिया था पानी दो बार। तो गाइस अभी अभी ना चीकू गाड़ी में सो गया था, उठ गया तो मैंने इसको बोला कि तू सो जा, सुबह स्कूल जाना तेरे को, थक जाते हैं पापा। हाँ जी, मुझे ना दिवाली पे ना हाँ 5 दिन की छुट्टी है ट्यूशन की तेरी। हाँ जी, दिमाग मत चला ज्यादा, समझ गया पापा, सच में मैम ने बोला है, है? हाँ जी। तो गाइस मैं निकल रहा हूँ कांगड़ा के लिए और वहाँ पे मत्था भी टेक लूंगा, और एक मुझे बहुत ही जरूरी काम है वो भी निपटा लेता हूँ। गोलू पाल नितिन चीकू घर पे है तो मिलते हैं कल आपसे आके। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि रात को मम्मी भी आने वाली है, काफी टाइम से प्लान कर रही थी कि मम्मी आएंगी आएंगी, बट देखो त्योहार पे तो इंसान आता ही आता है, तो बस मम्मी आ रही है हमें दिवाली देने के लिए। चलो भैया एक में जाने से पहले, तो गाइस चीकू के पापा जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करने कांगड़ा, तो भगवान करे सब कुछ अच्छा रहे, आपको जरूर बताएंगे किस लिए जा रहे हैं, अभी नहीं रिवील करेंगे, बाद में रिवील करेंगे। तो हम मेरी अभी मतलब एक वेब सीरीज को लेके मीटिंग चल रही है और शायद फिर हम मूवी भी करें, तो उसी के लिए जा रहा हूँ, शायद मैं कल शाम तक पहुँचू। मेरे को क्यों खिला रही है? क्योंकि 3 चम्मच बनाए थे ना। अच्छा, तो इन दोनों को देख लो, इनकी दिवाली आज, ये देखो नितिन को देख लो, ओ साइकिल के चीको नितिन तू गंदगी बल बचा यहाँ पे बाहर, देखो घर के बाहर पूरा गंदगी मचा रही है लोग। वाओ चीको आधे तो तेरे खराब हो गए, उठा ले फटाफट दोबारा मार चच्चू को, जल्दी मार जल्दी, जो चच्चू ने उठा ले सारा जल्दी कर जल्दी, ये तो खराब है, ये तो सारे खराब है। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो ये बच्चे चीकू जो है ना, चीकू और नितिन बच्चों की तरह पूरा घर फैला जाते हैं, फिर हमें करनी पड़ती है। हमारे माँ बाप बोलते थे मत करो मत करो, तब समझ नहीं आती थी है, अब समझ में आता है, अब समझ में आता है मत करो क्योंकि पत्ते झाड़ू हमें मारना पड़ेगा। तो ना आज खाने में बनी है भिंडी की सब्जी और साथ में बनी है रोटी। चीकू रोटी ले आओ बेटा, रोटी खाकर फिर दूध भी पीना है, आपका टाइम हो गया बेटे स्कूल का आज। आपको कैसे पाल कैसे सो रहा था ना शाम को गाड़ी में, गाड़ी में इतनी नींद आ रही थी, गाड़ी में ऐसे सो रहा था ऐसे पता नहीं सदियों से नहीं सोया। चीकू तो चीकू इसलिए इतना खुश हो रहा है क्योंकि चीकू की नानी जी आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं उन्हें लेने। हेलो हेलो, क्या हो गया क्या हो गया बेटी, सोना है? चीकू को लग रहा है कि ये घर आके सोएगा नहीं, लेकिन बेटा सोने है। कह रहे 2 दिन का सामान है ये, सोया नहीं है। हाँ देख तो नानी को लेने जाऊंगा। मम्मा के पास ये कौन सा है, 14 है? नहीं आज लिया ना भाभी ने 14। अच्छा गोलू ने? हाँ, नहीं भाभी। हाँ, अच्छा भाई ने लिया। तो गाइस मम्मी आ गई है, पानी वानी पिलाते हैं और मम्मी लाई बहुत सारे दिवाली के गिफ्ट, वो आपको हम कल दिखाएंगे। ये वाला ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिसने अभी तक गुंडे का दिल नहीं देखा है जल्दी जाके नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे गुंडे का दिल गाना भी देख लीजिएगा, पागल 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 भी देख लेना। हाँ बाय बाय, गुड नाइट।